तो नमस्ते सरकार पहना भाइयों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने पिछले एपिसोड में वो जिमी जो कि था उसकी कार वो चुरा के लेके गया था फ्रैंकलिन, और हमने उसको मारा पीटा था ताकि हम वापस कार ले सकें, और वो सिमियन ने ही चुराई थी। तो अभी मैं एम्यूनेशन की शॉप पे आया था थोड़ी सी गन्स लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे थे। तो अब मैं घर जा रहा हूँ और देखता हूँ कि आज के दिन कौन सा मिशन हम कर सकते हैं और कौन सा नहीं। आज मैंने फ्रैंकलिन को भी घर पर बुलाया ताकि थोड़ी सी हम पार्टी वार्टी कर पाएँ, क्योंकि अब वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। और यही वो शॉप थी जैसे कि जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने गाड़ी घुसाई हुई है। अब मैं गाड़ी तो लेके जाऊंगा नहीं, क्योंकि टेंट पड़ा हुआ उसमें वैसी, और उसकी पेमेंट मैंने उससे वापस ले लिया सारी जो भी हमने उसको करी थी पेमेंट, क्योंकि उसने भाई चोरी क्यों कर पाई अगर ले वापस ही लेनी थी। हमने जब उसको बोला था कि उसकी पेमेंट बाकी ही कर देंगे तो क्यों अपना दिखाती है वो बंदा सिमियन। तो पहले तो हम घर पहुँचते हैं, फिर देखते हैं वहाँ का सीन क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तो बहुत ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है जैसे कि सबको पता ही है, और तो सारे लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए न्यू ईयर पे ज़्यादा भीड़ रहेगी। और अगर आप कल देखोगे तो कल तो और भी भीड़ रहेगी एज़ कम्पेयर टू तो अभी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं लोग जा रहे हैं, और फिर कल तो यहीं पर हर जगह देखना पार्टी वार्टी हो रही होगी, सेलिब्रेशंस हो रही होंगी, हर चीज़ हो रही होगी यहाँ पे, और फिर सारी डेकोरेशंस भी हुई होंगी। तो वो मैं आपको कल ज़रूर दिखाऊंगा एक शॉट में, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर आपको शॉट देखना हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी तो मैं घर पहुँच चुका हूँ, और फिर देखते हैं अब यहाँ पर क्या है सीन, क्योंकि और यहाँ पे उसकी भी कार अभी बाहर ही खड़ी है इसकी भी फ्रैंकलिन की। और ये क्या हुआ, दरवाजा एकदम से अच्छा अंदर हुआ, वो ग्लिच हो गया पता नहीं कैसे, मुझे नहीं समझ आया वो कैसे पर हो गया। तो आज हम पहली बार माइकल के घर आ रहे हैं एस माइकल, तो इसलिए वो सारा बता रहे हैं हमें, ये माइकल का सेफ हाउस है सब कुछ। तो मैं ये जो गाड़ी है ये तो अंदर खड़ी कर देता हूँ ताकि सेफ रहे, और जब मुझे चलानी हो मैं चला भी लूँ। चोरी की गाड़ी है वैसे तो, पर कुछ नहीं होता, और दरवाजे भी मैंने थोड़ा। आई एम ए हैवी ड्राइवर। तो यहाँ पे कोई मिशन तो दिखा रहे हैं, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा उस मिशन में है क्या। तो वो तो अभी मैं जब घर में जाऊँगा तभी पता चलेगा कि वो मिशन है क्या। और यहाँ पे हमारी ऑडी कार खड़ी है जो हमारी पर्सनल कार है, तो पहले ये वाली कार अंदर खड़ी कर लेते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि फ्रैंकलिन की कार भी अंदर ही खड़ी कर दूँ ताकि वो सेफ है हमारे लिए, और वो भी हमें अगर चलानी है तो हम भी चला लें, और अगर उसको चलानी है तो वो भी चला लें। पर पहले मैं अभी ग्रीन जूस पीता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं। अगर मन हुआ तो मैं कर दूंगा, अंदर नहीं हुआ तो नहीं कर पा रहा वो, फिर उसकी गलती है। अगर अब वो दोस्त बन गया तो यार वैसे कर तो नहीं चाहिए, तो कर ही देता हूँ छोड़ो, ऐसी चोरी हो जाएगी वो फिर हम पे इल्ज़ाम लगा दे बेफालतू का, है ना। तो हम क्यों रिस्क लें, कोई रिस्क नहीं लेने का, तो इसलिए हम पहले उसकी गाड़ी अंदर कर लेते हैं। मुझे वैसे सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी घर पर, क्योंकि बहुत लोग मेरे पे अटैक करते रहते हैं, पुलिस को भी अगर अटैक करते तो यहाँ पे बहुत एंट्री गेट्स हैं हमारे घर के, तो इसलिए हर जगह सिक्योर करनी पड़ेगी। तो वो मैं देखता हूँ कहाँ से सिक्योरिटी लूँ। अगर GTA 5 की किसी को सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी पता हो तो मुझे बताना। वैसे तो वो कमांडोस ही होते हैं या FBI के एजेंट्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी देते हैं, पर वो FBI वाले बहुत पैसे लेते हैं। तो पहले अब घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि मिशन असलियत में है क्या जो हमें अब करना है। तो पहले तो आई थिंक सो ये ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, रात से दिन, दिन से रात, और फिर बकवास करना और तो कुछ नहीं। तो एक तो ये पूरा दिन लड़ते रहते हैं माँ बेटी हर घर में, जो लड़ते हैं मीन्स सारे वैसे तो लड़ते हैं हर घर में, पर इस घर में सिर्फ ये दोनों ही लड़ते रहते हैं। तो आज संडे है वैसे भी, तो इसलिए वो तो अपना चाहता नहीं कि मेरा दिन बर्बाद हो, तो इसलिए वो अपना गाना चला के बैठ गया और सुट्टा फूक रहा है और दारू भी पी रहा है, सब कुछ करके बैठ गया अब। और अब फ्रैंकलिन भी आने वाला होगा, मैंने उसको अभी कोई टाइम दिया था, 12:08 तो हो गए, पता नहीं कब तक आएगा। और वो तो आ चुका, हमारी उससे बात हो चुकी है, पर अब जिमी का एकदम से कॉल आ गया। मैंने उसको फोन तो उठाया नहीं था क्योंकि मुझे पता है वो बकवास की बातें करता है, पर इतनी बकवास की बात मुझे नहीं पता वो करता है। तो अब उसका मैसेज आया, मैंने अभी मैसेज पढ़ा है, तो अब पता नहीं क्या हरकतें करता रहता है। मेरी शिप बेचने गया हुआ था ये, और पता नहीं किसको बेच गया, उन्होंने शिप के पैसे भी नहीं दिए
और इसको रात में किडनैप भी कर लिया। तो मैंने लेस्टर से बोला कि इसको इसका फोन ट्रैक कर, तो हमें लोकेशन तो पता चल गई कहाँ पे अभी वो और हमारी बोट, तो पहले बोट बचाते हैं फिर उसको बचाऊंगा मैं। मीन्स बोट बचेगी तो वो बची जाएगा, पता नहीं वो कहाँ है। पर वो कह तो रहा था कि मैं बोट पर ही छुपा हुआ, पर अभी वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो पहले तो चलते हैं और लेस्टर की लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पे भी उसने वो ट्रैक करा मोबाइल जिमी का। तो ये इसके पे चोचले अलग ही, पता नहीं इसको क्या वो था कि बोट बेचने चला गया भाई साहब। वो भी पापा की बेफालतू में यार, मैं परमिशन भी नहीं ली भाई, हमसे परमिशन लेने की उसको कोई जरूरत ही नहीं, किसी को भी बेचा था बोट। और ये था आई थिंक सो इसने किसी गैंग को बेची, क्योंकि गोलियों के पीछे आवाज आ रही थी, वो गोलियों से इसको ढूंढ रहे थे और जिमी जिमी चिल्ला रहे थे। तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा। मैंने उसको कॉल पे भी बात करी थी मैसेज पढ़ने के बाद कि इसको हुआ गया एकदम से। तो पहले तो मैं चलता, मैं गलत रास्ते क्यों जा रहा हूँ, ठोकता रहता हूँ गाड़ी दो फैन बार। पहले तो वहाँ पे लोकेशन बस आने वाली आ गई है सामने लोकेशन है, पर यहाँ पे मुझे कोई दिख तो रही नहीं कि बोट भी हो और कोई इतना बड़ा ट्रक हो जो बोट को लेके जा रहा हो, क्योंकि वो बोट को कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा पूरी शाम में वो बोरी आई नहीं सर, यार इतनी ड्रिफ्ट के चक्कर में मेरी गाड़ी टूट जाती है, मैं आगे से ड्रिफ्टिंग ही मारूंगा। तो पहले तो हमारे साथ फ्रैंकलिन भी है, वो भी थोड़ी सी हेल्प कर लेगा। तो माइकल कह रहा है कि ये प्लान है कि पहले फ्रैंकलिन बोनट पे चढ़ेगा और फिर बोनट से वो गाड़ी के ऊपर कूद जाएगा ताकि ले पाए वो बोट को, और मींस वहाँ पर एक गैंग वालों को मार पाए और फिर जिमी को बचाए। तो पहले तो हमें ये शाम हमें थोड़ी धीरे चढ़ चलानी पड़ेगी, क्योंकि अभी फ्रैंकलिन बोनट पे चल रहा है और अगर वो बोनट से खिसका तो फिर हमारा मिशन वैसे ही फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना हम कर नहीं सकते ये मिशन। तो मैं उसको गाड़ी के पास तो पहुँचा दिया और वो फाइनली कूद गया वहाँ से। मस्टैंग गिरा दी भाई, इतनी महंगी कार गिरा दी उसने ट्रक वाले ने, क्या पागल वागल है क्या। तो ये फ्लाई ओवर के ऊपर लेके जा रहा है, वहां से नीचे भी उतार दी यार, सीधा ही चला जाता है। मुझे लगा राइट लेफ्ट वही मोड़ेगा तो ठीक है, और ये तो मुझे ना ठोकते, मैं थोड़े से पीछे हटूंगा, पहले शूट करता हूँ यार वो फोन पर। फ्रैंकलिन का गला दबा के बैठे हैं यार, अलग ही तमाशा है ये तो। जिमी को ढूंढ ली, हाँ जिमी को भी ढूंढ लिया इसने, और वो वहाँ पे अभी उसको तो पुले घर से पुले चलानी पड़ेगी, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है गोलियाँ चलाने में। वैसे वो मार दिया फाइनली उसको, जो फ्रैंकलिन का गला दबा रहा था, तो फाइनली हमने उसको मार दिया। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है इसके बोट के। और मुझे लगता नहीं है मैं बोट ले पाऊंगा, इतनी तेज भगा रहा है वो, इसने कहीं अगर उल्टे दी ना बोट भाई इसकी पूरी गैंग खत्म है। और जिमी भी मेरे हाथ बताऊँ उसको भी, मन करता है कि उसको भी गोली मारू, करना मार नहीं सकता उसको। जिमी ये लटक, अबे भाई क्या लोग हैं, जिमी को लटका दिया इसने फ्रैंकलिन, लगी पागल अभी सब गाड़ियाँ। मुझे शायद उसको जंप करवाना, और क्योंकि तो वहाँ पे येल्लो मार्क आप देख पा रहे हो, उसको नीचे लेके जानी गाड़ी ताकि कूद पाए। अबे यार तो गाड़ी की ना स्पीड नहीं पता चल रही है, मैं कितनी लगाऊँ और कितनी वो रेस दूँ और कितनी ब्रेक करूँ, ताकि जिससे वो नॉर्मल स्पीड पर रहे हमेशा। वो स्पीड में मैंने भगा दी गाड़ी, चल चल चल, हाँ बस कुछ कुछ कुछ, फाइनली 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 बच गया। और गाड़ी ठुक गई, फिर ट्रक थी उसको भी तो लेना, मैं तो पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, ये अपना चौड़ा होकर बैठ गया पीछे, डैड डैड कर रहा छुट गया। फ्रैंकल आ गया, और फाइनली फ्रैंकल कूदने वाला बस स्पीड रहा नहीं थी, और वो कूद चुका भाई साहब सेफली। ये भी आ गया, ये कह रहा है कि ये तो वही है जिसने हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की और बकवास कर रहा है फ्रैंकलिन के बारे में। पर हम अब नहीं सुनेंगे कि फ्रैंकलिन अब हमारा दोस्त है बहुत अच्छा, जिसने हमें हर जगह हेल्प करी, और इस मिशन में भी इसने ज़्यादा रिस्क लिया, नहीं तो हम कहाँ ही रिस्क लेते। अभी गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया, रुकी गई गाड़ी है, रिवर्स फुक जा रही है, देखो ये देखिए देखिए जा रही है। तो फ्रैंकलिन कह रहे हैं कि यहाँ पर ये गाड़ी अपनी चलेगी, ये देखो कहीं पर इसका स्टेयरिंग मुड़ रहा है, इसका स्टेयरिंग भी फेल हो चुका है, लगता फेल हो चुका है, तो उसको धीरे 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 लेके जाना पड़ रहा है लॉस सेंट्रोस कस्टम्स। इसने बोला यहाँ पे एयरपोर्ट है साथ में, वहाँ पे है लॉस कस्टम्स,
डोलो सेंटर सिस्टम, तो वहीं पे जाओ और करो, जाके ठीक करवा लो। तो वहीं पे पहले चलते हैं और इनकी पहले तो थोड़ी सी बातें सुनते हैं, इसने क्या करा है। मुझे देखते थे महंगी वो थी जो खरीदी थी, उसने चुनावा दी। पता नहीं कभी हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, वो तो पता नहीं कहाँ का कहाँ लेकर कौन से गैंग के ये भी नहीं पता। क्योंकि उन्होंने सिर्फ वाइट कपड़े पहने, मतलब वाइट कपड़े पे लॉस एंजेलिस की कोई भी गैंग नहीं पहनती। मुझे भी इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है सारे गाड़ी वाले ट्रक वाले से उसको मार दूँ। बस पुलिस ना लग जाए पीछे और तमाशा नहीं तो जाए। तो रोज कितनी तो पागल है वो, तो घर वालों को जाके बोलेगा तो उसकी पुलिस पड़ेगी इनके पीछे, वो सारे छोड़ चले जाएंगे। And right now, तो my boat disappeared over the horizon. That's all I can see. Frank, did you give me a favor? Just get a ride home after he fixes this thing. I want to head on the road. Oh, great. Leave me with the home invader. I'll get it done, bro. No problem. Enough. All right. I'm going to get it done. Frank, do me a favor. Call me a taxi, will you? No problem. अरे गाड़ी चल भी तो नहीं रही, स्टीयरिंग कहीं पे नहीं चल रहा है अपने आप। Los Santos Customs by the airport. कोशिश तो पूरी की, बस सही सलामत किसी तरह Los Santos Customs पहुंच जाए और वहां पे जाके ठीक हो जाए। अगर वहां पे ठीक हुई ना तो फिर तुम जो कोई बात लगी थे जहाँ पे ठीक हुई थी, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस गाड़ी को ठीक करना। This little shit stays in his room all day and I don't have many other people to go with. तो चलो चलिए फिर। तो मोड़ तो लिया था, मुझे आगे से मोड़नी थी पर मैंने मोड़ी नहीं, पता नहीं क्यों। It cleared my head, you know, let me dream. No. Jacqueline, huh? से मैं मोड़ सकता। Well, maybe you need to do some other shit. मैं भी गल चक्कर आ गया। Dream of the dreams, man. Yeah, sure. Whatever. तो भाई अब चलती नहीं जा रही, इससे स्पीड कम होती जा रही है। ये क्या बात हो रही है गाड़ी? अरे गाड़ी आराम से चलो। Up the go left. अरे 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 गाड़ी मेरे पास पहुंच जाए किसी तरह। तो माइकल को तो अभी किसी काम से जाना है, तो फ्रैंकलिन और जिमी शायद से कार ठीक फिक करवा के आएंगे। तो आई थिंक सो फिर माइकल तो यहाँ से टैक्सी से चला जाएगा। मैंने टैक्सी को तो फ़ोन कर दिया, मीन्स मैंने क्या फ्रैंकलिन ने कॉल कर दिया था। मैं तो अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं माइकल हूँ अभी के समय। तो ठीक है पहले वो करवा लेता हूँ। बस को बॉडी को बहुत बुरा हाल हो गया अगर आगे से देखो तो। यही है All right, take what's in my pocket, a couple thousand bucks. तो माइकल कह रहा है, मींस मैं कह रहा हूँ कि उसके पास मेरे पास $1,000 है, तो जितने उसको मैंने फ्रैंकलिन को दे दिए हैं, तो अब जितना भी लगेगा वो ठीक कर लेगा और बाकी अपने पास रख लेगा। ये देखो मोटे को भैंसे को, साले भैंसे को बोल भी रहा है कि गाड़ी से उतर के फिर आ जाएगा, पर नहीं उसको तो ऐसे ही चल के आना है। तो फाइनली माइकल की तो आ चुकी है टैक्सी। तो अब हम पहले तो ठीक करवाए थे क्योंकि मैं फ्रैंकलिन पे स्विच हो गया और मेरे पास अभी $1,000 भी है। तो मैं तो सोच रहा हूँ सिर्फ इसकी रिपेयर करवाऊँ, वो $200-250 में हो जाती है और फिर बाकी पैसे अपनी जेब में। बस वो मांग लेंगे पैसे और ज़्यादा ना लगते, अगर ज़्यादा लगता तो हमारे एल लग जाएंगे। तो ये तो फ्री की थी भाई साहब, फ्री मीन्स वो फ्री पूरी फ्री नहीं होती, थोड़े बहुत लगते हैं डॉलर्स पर। हाँ उसको लिखा था फ्री, तो कुछ हो कुछ ही डॉलर्स वो होंगे। तो मैं पहले तो गाड़ी को कवर कर लेता हूँ, तो सही हो जाएगी गाड़ी। मैं देख लेता हूँ मेरे पास वेपन सारे हैं ना, कि अगर बाई चांस जाते जाते कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी ने मारा वा रहा तो उसको फिर मैं बताऊँगा। तो पहले तो चलते हैं पेट्रोल पंप का। मैंने सोच रहा था कि इसको ब्लास्ट कर दूँ, पर ये ब्लास्ट हो नहीं रही, पेट्रोल का नहीं ऑयल का ऐसे रहा, ये ऑयल निकल ही रहा था, मैं छेद कर रहा हूँ उसमें। तो इसलिए चलते हैं अंदर ही चलते हैं। जिम्मी को पहले छोड़ते हैं गाड़ी में करके आते हैं, कि ये ना माइकल के ना फ्रैंकलिन के ना जिम्मी की है, ये है माइकल की बीवी अमांडा। तो जैसे कि मैंने बोला ये अमांडा की कार है, तो पहले तो ये कार उसको छोड़ने के आने पड़ेगी, नहीं तो माइकल की वो जान कर देगी उसकी बीवी। तो पहले तो चलते हैं और इस मोटे को पैसे को भी छोड़ के आते हैं। ज्यादा बकवास कर रहे कि आप क्या करते हो, अब ज्यादा हमारे साथ फ्रैंक को नहीं खुश कर रहा, फ्रैंकलिन के साथ फ्रैंक को नहीं खुश कर रहा।
तो बस इसने तो यही बोला कि मेरी डीलरशिप थी जो तेरी वजह से छूट चुकी है, तेरे और तेरे बाप की वजह से। थोड़ी सी अभी माइकल की बुराइयां कर रहा है, पर कुछ नहीं होता उसकी तो भाई, वो कर सकते क्योंकि उसकी वजह से ही गाड़ी मीन्स हमारी जॉब गई है। तो ये तो बोल रहा है कि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, बस पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, सोटा मारते रहते हैं, रो भीते रहते हैं, और मुझे भी कोई काम नहीं करने देते, मीन्स इसको करने का मन भी नहीं करता, कहता है कि मुझे करने का मन ही नहीं है काम, मुझे फ्री के पैसे चाहिए। मीन्स माइकल ने काम थोड़ा बहुत करके पैसे कमाए, तो उसको भी कुछ नहीं करना, बस पैसे चाहिए उसको, आराम की कमाई चाहिए उसको। तो पहले तो चलते हैं और फिर देखते हैं कि इसके घर में तो कोई अब सीन नहीं हो रहा कि गाड़ी मेरी क्लीन चली गई है फलाना ढिमकाना टीजर, तो देखते हैं। नाम तो इसमें किसी और का लिखा हुआ है, क्रिस्टल करके गाड़ी के पीछे, क्रिस्टल वो 4L लिखा हुआ है, पर जैसे मेरी कार के पीछे तो मैंने माइकल लिखा है। और ये वाइट वाला मेरे साथ पिटा, इसने भाई साहब दिखा भी रहा है कि हमारी ग्रीन लाइट है, फिर बीच में से ठोकी, अभी अभी रिपेयर करवाते हैं, वो से लिख के रुक। इसकी तो मैं मारता हूँ पीछे से, रुक जाओ, ये वाइट वाला मेरे हाथों, जब तक मैं इसको मारूंगा नहीं तब तक मैं अब भी जाऊँगा नहीं, अब चाहे कितनी भी ठुक जाए गाड़ी, अब पूरी टूट जाए, धुआं लग जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, अब तो नहीं, मिशन फेल हो जाए, फिर से करना पड़ेगा। इस वाइट वाले का तो मैं मर जाओ भाई सब, वो भाई सब बड़ी मैं चला रहा, और शहर में वैसे भी किसी को मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो सारे गाड़ी वाले ना उतर रहते हैं बीच में, कोई बड़ी गोली की आवाज़ सुनना दो उनको, और फिर सारे ऐसे उम्मीद से कहीं हम उनको मार रहे हैं गोली, वैसे तो सबको डर होता, अगर मेरे सामने भी कोई आ जाए तो मैं भी ऐसे डरूंगा ही। तो यही वाला था ना वाइट वाला, हाँ यही था, यही था, ये पीछे वाला था नहीं, इसकी तो कवर्ड और टोकी भी नहीं हुई कहीं से गाड़ी, ये मार दिया, चलो यस बॉयस मार दिया। वो बेचारा डर गया, वो कह रहा है ये क्यों मार दिया उसको। वो सच में बेचारा डर गया अभी, मुझे तो लगा नहीं डरेगा। तो बस घर पहुंचने वाले हैं इसके, हम सीधा बस जाना है हमें थोड़ा सा, और फिर हम माइकल के घर पहुंचेंगे। और जो उससे मुझे काम था वो तो मैंने उससे पूछा ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट काम मैंने उससे पूछा नहीं, मैं फालतू की बातें उससे करता रहा पूरे रास्ते। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, जब ये कहीं और टाइम मिलेगा तो कॉल करके उससे पूछ लूँगा, या कभी हम घूमने जाएंगे साथ में तब पूछ लूँगा उससे, पर अभी तो चल नहीं पूछ सकते थे। वैसे भी गाड़ी चोरी हो गई थी, और ये जो हरकत है अभी फिर से कैसे बाहर खड़ी हो गई कार मेरी, पता नहीं क्या सीन है कार का भी। Yo, so like, since तो मैंने यहाँ पे पार्क तो कर दिया, कि जिन कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं इसको, मन कर रहा है ना मेरा कि गोली मार दूँ, थोड़ा सा सड़ रहा है जो ये फ्रैंकलिन, ये तो इतना बोलता जा रहा है। तो इसने अपना नंबर भी दे दिया मुझे, जिमी ने अपना, कि अगर कभी मेरे साथ घूमना हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, फिर हम दोनों घूम सकते हैं। तो फिर बस अब तो हम घर जाते हैं, और फिर देखते हैं कि घर हमारे घर का क्या सीन है, वहाँ पर कोई तमाशा ना हो रहा हो, या वहाँ पर कोई गुंडे ना मारने में आ। पहले मैं अपने घर की लोकेशन मार्क कर लेता हूँ, पर छोड़ो यार क्या ही करनी है, मैं कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा, या कर ही लेता हूँ, छोड़ो रुको यार। और कहाँ है घर, ये रहा घर, चलो शुक्र है घर तो मिला हमें, और हमारा घर भी मिल चुका है हमें, और ये से मैं उनका कॉल आ रहा है, मैं नहीं उठा रहा बाहर में जाए बहुत भाई, अब भी वैसे तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करता रहता है, और अब इस मुझे इतनी जल्दी नौकरी से भी निकाल दिया, क्योंकि मैंने बस उसका एक बारी साथ भी नहीं दिया, उसने मुझे गन पॉइंट पे भाई करा था, उसको इतनी तमीज़ नहीं कि उसने मुझे गन पॉइंट पे एक तो रख के मेरे से वो काम करवाया, मैंने जो गाड़ी अंदर हमने करी थी, और उस पर वो नाराज़ हो गया। चल अब क्या ही कर सकते हैं, अब लोग होते ही ऐसे हैं। अब इसका कोई कॉल मैसेज आएगा मैं इसको करूँगा ही नहीं, मैं इसको उठाऊँगा ही नहीं कॉल पे, बहुत हो गया इसका। अभी जब इसको कोई काम होगा, हे माय एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आ जाएगा अपना भोगता हुआ, अलग ही वो भी पागल इंसान है सिमियन वैसे,
उसने वो भी चोरी करवाई, जब उसको पता था वो दे ही देंगे पेमेंट, और वो है भी डॉन माइकल, उसको ये भी पता है, सबको पता माइकल डॉन है, फिर भी करता ही हरकत। तो चलते हैं, और ये सिमियन का क्या मैसेज आ रहा है यार, परेशान करके रखा हुआ है सिमियन ने भी। पहले मैसेज पढ़ लेता हूँ, साथ साथ गाड़ी भी चला तो रहा हूँ मैं। यू वुड लाइक अ सन टू मी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इसको क्या मेरा नाम नहीं पता क्या, जब भी बोलो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करता था चूतिया भाई का। कॉल कर ही लेता यार इसको, ये भी क्या याद रखेगा। हेलो फ्रेंड, अब ये कॉल उठाएगा क्योंकि अब मैंने पहले से कॉल उठाया था, ये भी मेरी नहीं उठाएगा। आई देखा, हेलो फ्रेंड आई कैन नॉट पिक द फोन, इसने ना वो मैसेज वाला चला दिया है, तो बदतमीजी ये भी दो कौड़ी का कार डीलर कहीं का। बस अब जल्दी से जल्दी घर पहुँचे और मैं थोड़ा सा आराम करूँ, क्योंकि आज का बहुत ज़्यादा टाइम दिया था यार। तो गाड़ी वाले पता नहीं कैसे से, ये देखियो चलाने ही नहीं आती, ऐसे तो मुझे भी नहीं चलानी आती, पर तब भी यार मैं अपने पर थोड़े ना दूंगा इल्ज़ाम, उन पर ही दूंगा ना, है ना, सही बोल रहा हूँ ना। चलो अब चलते हैं घर पर, तो मैं अपनी गली मोहल्ले में पहुँच गए, मोहल्ले कॉलोनी, तो वहीं पर अब चलते हैं। और ये दरवाज़ा खुल जा सिम से, और ये किसकी गाड़ी खड़ी हुई है, अच्छा मेरी है, मैंने जो चुराई थी, मुझे जो थोड़ी सी सही लग रही थी ना, तो मैंने अपने पास ही रख ली। तो अब घर में चलते हैं और देखते हैं आज का दिन घर का, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बी हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।